नमस्कार, प्रस्तुत है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट पार्ट का पार्ट 8 वीडियो। और इस वीडियो में जो हमने पैसेज चुना है वो है CMMS 2022 से। CMMS अर्थात चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप, हिंदी में कहें तो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति 2022। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पैसेज से क्वेश्चन नंबर 31 से 35 के प्रश्न दिए गए हैं, यानी पांच प्रश्न हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए गए पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए और जो उसके बाद क्वेश्चंस हैं उसका करेक्ट ऑप्शन यानी सही ऑप्शन को चुने। एंड्रोकल्स वाज ऑर्डर्ड टू फाइट विथ अ ह्यूज लायन दैट हैड बीन केप्ट हंग्री फॉर 2 डेज। एंड्रोकल्स को एक विशाल, ह्यूज मींस विशाल, शेर से लड़ने के लिए आदेश दिया गया, ऑर्डर मीन्स आदेश दिया गया, और जिस शेर को 2 दिन से भूखा रखा गया था। हंगरी मीन्स भूखा, हंगरी मीन्स भूखा। ही वॉज श्योर दैट लायन वुड टीयर हिम टू पीसेस। वह बिल्कुल निश्चित था कि शेर उसको चीर देगा। टीयर मीन्स चीर देगा, किसमें? पीसेज में चीर देगा। वह बिल्कुल आश्वस्त था कि शेर उसको टुकड़े टुकड़े कर देगा। सो इसलिए, सो मीन्स यहां हो गया इसलिए। ही वॉज सैड टू बी बैक, इसलिए वो बहुत उदास था। अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल हैड कम टू सी दैट फाइट, एक बड़ी संख्या में लोग उस युद्ध को देखने के लिए आए थे। द लायन वॉज लेट लूज इन टू द एरिना वेयर एंड्रोकल्स हैड बिन मेड टू इंटर। उस अखाड़े में शेर को छोड़ दिया गया जहां एंड्रोकल्स को घुसना था। बिस्ट केम रोयरिंग अराउंड आउट ऑफ इट्स केज लुकिंग फियर्सली। द बिस्ट, बिस्ट मीन्स जानवर। वह जानवर दहाड़ता हुआ, शेर की आवाज को इंग्लिश में रोयर कहते हैं और हिंदी में हम लोग दहाड़ना कहते हैं। तो वह जानवर दहाड़ता हुआ अपने पिंजरे से बाहर आया। केज मीन्स पिंजरा। लुकिंग फियर्सली, बहुत वो भयानक दिख रहा था। एज द लायन नियर्ड हिम, जैसे ही शेर उसके पास आया। नियर यहां वर्ब के रूप में यूज हुआ है, मतलब नजदीक आना। एज द लायन नियर्ड हिम, जैसे ही शेर उसके नजदीक आया, पीपल गॉट एक्साइटेड टू सी द ब्लडी ड्रामा। लोग बहुत उत्तेजित हो गए उस खूनी ड्रामा को देखने के लिए। बट सडनली, किंतु अचानक, द लायन स्टॉप्ड रोयरिंग एंड बिकेम काम। लेकिन अचानक वो शेर दहाड़ना बंद कर दिया, ये दहाड़ना और ये स्टॉप्ड मींस बंद कर दिया। एंड बिकेम, और हो गया काम, शांत। किंतु अचानक वह शेर, उस शेर ने दहाड़ना बंद किया और शांत हो गया। इंस्टीड ऑफ, यहां पर देखिए ग्रामर पोर्शन में देखिए, इंस्टीड के साथ ऑफ लगता है, इसका अर्थ होता है बजाय, है ना। इंस्टीड ऑफ अटैकिंग एंड्रोकल्स ही क्राउज्ड एट हिज फीट। एंड्रोकल्स पर अटैक करने की बजाय वो उसके पैर पे झुक गया। क्राउज्ड मीन्स झुक गया। एंड बिगैन टू लिक हिज हैंड्स,
और उसके हाथों को चाटने लगा। लिक मींस चाटना। टीयर्स ऑफ जॉय वेल्ड अप इन एंड्रुकल्स आईज। एंड्रुकल्स की आंखों में खुशी के आंसू, टीयर्स ऑफ जॉय मींस खुशी के आंसू बहने लगे, वेल्ड अप में बहने लगे। एंड और ही एम्ब्रेस्ड द लायन, और उसने शेर को गले लगा लिया, यानी शेर से लिपट गया। इट वॉज द सेम लायन, यह वही शेर था विथ होम एंड्रुकल्स हैड लिव्ड इन डेन। डेन मतलब होता है शेर के रहने का जगह, गुफा कह सकते हैं। इट वॉज द सेम लायन, यह वही शेर था विथ होम एंड्रुकल्स हैड लिव्ड इन डेन फॉर मेनी डेज, जिसके साथ एंड्रुकल्स उस गुफा में कई दिनों तक रहा था। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। विथ होम वॉज एंड्रुकल्स ऑर्डर टू फाइट, किसके साथ एंड्रुकल्स को लड़ने के लिए कहा गया था? अ ह्यूज लायन, बाकी का भी मैं मीनिंग बताता हूं, अ बियर भालू, अ टाइगर शेर, अ स्लेव एक गुलाम। तो वो था जिसके साथ लड़ने के लिए कहा गया था, अ ह्यूज लायन, एक भयानक एक बड़ा सा लायन। Who had come to see the fight? Fight को देखने के लिए कौन आए थे? The king, राजा, the minister, मंत्री, large crowd, the animals। तो ये था large crowd, बड़ी भीड़। Question number 33। How did the lion come towards Androcles? Androcles के पास वो lion किस तरह से आया था? Limping, शाउटिंग, रोयरिंग। तो ये रोयरिंग दहाड़ता हुआ आया था। व्हाट डिड द लायन डू, लायन ने क्या किया? फॉट विथ एंड्रुकल्स, एंड्रुकल के साथ लड़ा। फ्लेड अवे, भाग गया। बिगैन टू लिक एंड्रुकल्स हैंड, एंड्रुकल्स के हाथ को चाटने लगा। टूर हिम इनटू पीसेस, टुकड़ों में इसको फाड़ दिया। तो ये क्या किया था आप देखें, began to lick Androcles hand, उसके हाथों को चाटने लगा था। Why did the lion become calm? वो शेर क्यों शांत हो गया? Lion was very old, lion बहुत बूढ़ा था। Lion was very weak, वो बहुत lion बहुत कमजोर था। Lion had lived with Androcles in den, वो lion Androcles के एंड्रुकल्स के साथ गुफा में रहा था। तो यही आंसर है इसे, ये मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति का पैसेज था। आप इसे फिर से एक दो बार आप रिवाइज करें। कुछ और पैसेज मैं कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट के जो वीडियो है मैं भेजूंगा, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए नहीं है, ये अनेक प्रतियोगिताओं के लिए आपको फायदेमंद साबित होगा। धन्यवाद।